सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पीएलसी का, मेरे को पासवर्ड मैं डालूंगा इस पीएलसी के अंदर अभी, जो कि आप देख सकते हो FX3S20MRES, ये पीएलसी का नाम है, मिशुविशी का मेक है। तो इस पीएलसी के अंदर मैं सॉफ्टवेयर डालूंगा जिसमें कि क्या पासवर्ड होगा, और फिर आपके सामने ही उस पासवर्ड को अनलॉक भी करके दिखाऊँगा। तो इस पीएलसी को प्रोग्राम करने और पासवर्ड को लॉक करने के लिए जो मैंने केबल यूज़ की है वो USB SC09 केबल यूज़ की है। तो अभी चलते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या हम इसमें कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। कनेक्शन टेस्ट करके ओके, कॉम आप देख सकते हो कि कॉम 3 सिलेक्टेड है, और ये देखना कहाँ से होता है ये आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे ये कॉम 3 आप देख सकते हो, यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि कॉम 3 सिलेक्टेड है। तो कॉम 3 हमारा सिलेक्टेड था, तो हमने क्या किया, कनेक्शन टेस्ट कर लिया। ओके, कनेक्शन टेस्ट ओके। सो फ्रेंड्स, कनेक्शन टेस्ट हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ रीड कर लेता हूँ। यस टू ऑल करता हूँ, ये पासवर्ड मांग रहा है अभी, तो मुझे पासवर्ड पता है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका पासवर्ड है। मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और ओके। सो फ्रेंड्स, मैंने पासवर्ड ओपन करके इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। अब मैं प्रोजेक्ट भी आपको दिखा देता हूँ, एम्प्टी प्रोजेक्ट है ये। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने इसमें पासवर्ड रीड किया और सॉरी पासवर्ड टाइप किया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक नया पासवर्ड डालता हूँ पीएलसी के अंदर। तो मैंने क्या किया, एक नया पासवर्ड डाला। नया पासवर्ड डालने के लिए मैंने 8 डिजिट का डाला, ठीक है। तो उसे डालने के लिए मैंने डाला, आप देख सकते हो, 1 2 3 5 4 5 6 8 7, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में भी यही सेम पासवर्ड डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 8 7, और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया इसे एग्जीक्यूट। अभी ये बोल रहा है कंप्लीट ओके। अब मैं फिर से जाता हूँ, नया प्रोजेक्ट कर देता हूँ और नो कर देता हूँ। तो ये नई विंडो ओपन होके आ गई। अभी मेरे को रीड करना होगा, तो मेरे को पासवर्ड तो पता है आपके सामने, तो बट मैं एक बार रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा जो कि पहले वाला पासवर्ड था, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं डाल के एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इसे फेलर दिखा देगा क्योंकि ये पासवर्ड है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब चलता हूँ मैं अपने उस सॉफ्टवेयर पे, जो मेरा सॉफ्टवेयर है FX रीडर, IS रीडर के नाम से सेव किया हुआ मैंने। पासवर्ड FX लॉकर के नाम से है, तो ये है मेरा वो सॉफ्टवेयर। इसको मैं पहले करता हूँ क्लोज, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉम, ठीक है, और रीड करता हूँ, पास कैन नॉट बी रीड, फिर से एक बार रीड करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसने पासवर्ड बता दिया मुझे। अब सेम इसी तरीके से मैं दोबारा से पासवर्ड चेंज करता हूँ इसका, ओके। मैंने किया फिर से न्यू पासवर्ड, ओके, 8 डिजिट पे सिलेक्ट किया। अब पासवर्ड मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा मैंने क्या किया सिलेक्ट, ठीक है, ओके, वेट, सेवन। और मैं आपको बता भी देता हूँ मैंने क्या किया, 8 7 8 7 6 5 4,
1 2 3 8 7 6 5 4 1 2 3 एग्जीक्यूट कर दिया मैंने। द कीवर्ड इज रजिस्टर्ड। अच्छा ये पहले वाला पासवर्ड मांग रहा है, तो पहले वाला क्या था 1 2 3 4 5 6 8 7। तो अभी मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है। अब मुझे नहीं पता है क्या पासवर्ड, लेकिन अगर मैं पुराना पासवर्ड डाल के रीड करना चाहूँगा तो ये रीड नहीं करेगा। 1 2 3 4 5 6 8 7 अगर मैं रीड करना चाहूँ तो रीड नहीं करेगा, प्रॉब्लम दिखाएगा। तो आपको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि क्या पासवर्ड डाला है, तो मैं फिर से जाता हूँ एफएक्स की वाले सॉफ्टवेयर पे। कॉम्पोर्ट मेरा जो था मैंने सिलेक्ट किया, रीड पे क्लिक किया, कैन नॉट रीड बताया, दोबारा से एक बार और ट्राई करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपके पास आ गया पासवर्ड। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप मिशुविशी की इस PLC जो कि आपको मैंने दिखाया FX3S20MRES, इस PLC का पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने आपको हार्डवेयर के साथ भी दिखाया, तो फ्रेंड्स आप भी इस सॉफ्टवेयर को ट्राई कर सकते हो और अपने इस PLC का लॉक अनलॉक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, एजुकेशनल लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जितना भी ज़्यादा हो सके फेमस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।